नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ रिसेंट की ही एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के समायोजन और अभी तक शिक्षा मित्रों का समायोजन किस कारण से नहीं हुआ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दरअसल आपके ही बीच में से किसी साथी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन साझा की गई है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रहा होगा। दरअसल ये जो नोट है, ये आपके ही बीच में से किसी साथी के द्वारा लिखी गई है, जहां पर आप देख लें कि शिक्षा मित्र ध्यान से पढ़ें और अंत तक पढ़ें, कड़वा सच। यानी कि समय के साथ नियम सिर्फ बदलते ही नहीं बल्कि और भी कठिन हो जाते हैं। जिसने भी समय के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया वो बर्बाद हुआ है। 2001 से 2001 में शिक्षा मित्र योजना से जुड़ने के बाद मुलायम सरकार में घमंड में शिक्षा मित्रों के नेताओं ने टीचर ट्रेनिंग को हल्के में लिया और सहायक अध्यापक के पद को महत्व नहीं दिया। ये था पहली बार शिक्षा मित्र के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। 2007 में मायावती सरकार आने के बाद इनको सरकार की तरफ से टीचर ट्रेनिंग कराने के लिए प्रयास शुरू हुए, पर ये जिद्दी शिक्षा मित्र नेता अपने घमंड और नेतागिरी के चक्कर में सभी शिक्षा मित्रों को डुबाने में लगे रहे। ये था दूसरी बार शिक्षा मित्रों के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जहां पर 2009 में आ गया RTE एक्ट। अब न सिर्फ टीचर ट्रेनिंग बल्कि TET नाम का भूत भी आ गया, जिससे शिक्षा मित्र नेता बहुत डरते थे और बचने के रास्ते खोजते रहे। ये था तीसरी बार सभी शिक्षा मित्रों के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। 2011 में पहली बार TET परीक्षा हुआ, पर 99.99% शिक्षा मित्र टीचर ट्रेनिंग कोर्स न करने के कारण और घमंडी नेताओं के नेतागिरी के चंगुल में फंसकर TET परीक्षा नहीं दे सके। ये था चौथी बार सभी शिक्षा मित्रों के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसके बाद 2012 में यूपी की सत्ता में एक धूर्त बागड़ बिल्ला आया और मायावती सरकार में शुरू किए गए शिक्षा मित्र ट्रेनिंग को अवैध तरीके से समायोजन करके भोले भाले शिक्षा मित्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया। ये था पांचवी बार शिक्षा मित्रों के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जहां पर आप देख लें सबसे ज्यादा बुरा तो 2015 में हुआ। 2015 में हाई कोर्ट में यूपी के बागड़ बिल्ली ने समायोजन रद्द कराकर भोले भाले शिक्षा मित्रों के साथ दोहरी राजनीति खेली। एक तरफ समायोजन का ढोंग करता रहा, दूसरी तरफ समायोजन रद्द कराकर हाई कोर्ट को गलत और खुद को मसीहा बताकर सहानुभूति लेता रहा। यह था छठवीं बार सभी शिक्षा मित्रों के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। 2015 में शिक्षा मित्र मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर बचाने का दिखावा शुरू हुआ। सभी शिक्षा मित्र नेता लूट पर लूट करते करोड़ों की संपत्ति बचाते रहे और दिखाते रहे कि सबसे बड़े मसीहा है, और बेचारे भोले भाले शिक्षा मित्र अब तक इतनी बार ठगे गए कि दुनिया उन्हें मूर्ख मानने लगी। फिलहाल इसके बाद कुछ और भी जानकारियां हैं, जहां पर साथियों ये जो सारी जानकारियां हैं ये बिल्कुल ही सही भी कही जा सकती हैं, क्योंकि यहां पर गलती आपकी भी है, गलती पूर्व सरकार की भी है, और वर्तमान सरकार की तो नहीं कही जा सकती, लेकिन इससे पहले जो कुछ भी गलतियां हुई हैं वो काफी हैं आप सभी के समायोजन रद्द कराने को लेकर या फिर आप सभी के भविष्य निर्धारण की समस्याओं को लेकर। साथियों जहां पर ये गलतियां अभी भी आप कर रहे हैं, फिलहाल अगर उस समय पर आपके द्वारा विभागीय टेट, क्योंकि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम आपको विभागीय टेट कराएंगे, लेकिन आपके ही संगठनों के द्वारा ये कहा गया, नए संगठन बनकर आए उनके द्वारा कहा गया कि हमें विभागीय टेट न कराकर डायरेक्टली समायोजन किया जाए, क्योंकि सरकार तो समायोजन करने के पक्ष में थी, सरकार को समायोजन करना था, तो सरकार ने दबाव में आकर समायोजन किया, जिसकी गलती आपको आज भुगतनी पड़ रही है, वो सजा आज भी आप देख रहे हैं। जहां पर अब शिक्षा मित्र चक्कर ये लगा रहे हैं कि अब हमें विभागीय टेट कराया जाए, कोर्ट में रिट भी डाली गई है, रिट की सुनवाई भी हुई, डेट आगे जा रही है, अब ये चक्कर है कि अब हमें विभागीय टेट कराया जाए, लेकिन अगर उस समय पर ये कार्य हुआ होता तो आज ये समस्या आपको बिल्कुल भी देखने को ही ना मिलती। फिलहाल के लिए जो कुछ भी हुआ वो ठीक था, लेकिन आप अपने भविष्य की आगे चिंता करें, क्योंकि 20 फरवरी के सम्मेलन में हो सकता है आपके लिए सरकार की तरफ से किसी किसी तरह से सराहनीय कार्य किया जाए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट में लिखकर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।